मेरी ही नहीं है बल्कि औद्योगिक रूप से भी अत्यधिक समृद्ध है। कुछ दिन पहले जब कोटा आया था तो यहाँ के विकास को देखकर बहुत सुखद अनुभूति हुई थी। भारतीय संस्कृति नदी संस्कृति है। इसी संस्कृति में पावन चंबल नदी के किनारे बसे कोटा में रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क के अंतर्गत जो विकास कार्य हुए वह बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे इसलिए भी यहाँ आकर अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति से जुड़ी परंपराओं को सहते हुए आधुनिक विकास को यहाँ गति देने का प्रयास किया गया है। मैं मानता हूँ कि जिस सुनियोजित तरीके से कोटा के विकास की को गति दी जा रही है उससे आने वाले समय में यह स्थान विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज करेगा। ऐसे विकास की ओर अग्रसर कोटा में आपके विश्वविद्यालय के इस षष्ठम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं दीक्षांत समारोह के लिए आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए मेरी स्वस्थ कामना है जिन्होंने आज पदक और उपाधियां प्राप्त की हैं। आज कुल स्वर्ण पदक 23 दिए गए जिसमें छात्र 9 प्राप्त किए और छात्राएं 14 प्राप्त की। छात्रों का 39% रहा और छात्राओं का 61% रहा। ये बहुत ही शुभ लक्षण है, शुभ दिशा की तरफ ये संकेत। छात्राएं अधिक परिश्रमशील होकर स्वर्ण पदक प्राप्त कर रही हैं, ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ भविष्य की दृष्टि से बड़ा ही उत्तम स्वरूप है। जो विद्यावाचस्पति प्राप्त हुए हैं 7 दिए गए हैं जिसमें 4 छात्र हैं और 3 छात्राएं हैं। 57% छात्रों ने प्राप्त की है और 43% छात्राओं ने प्राप्त की है। मैं जहाँ जहाँ भी जिन जिन विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में जा रहा हूँ लगभग सभी विश्वविद्यालयों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों की संख्या छात्राओं की बहुत अधिक है। कहीं कहीं तो 85% है, 90% है, छात्रों की कम है। इससे छात्रों को निराश नहीं होना चाहिए, उनको और इस स्पर्धा में जुट करके परिश्रम करना चाहिए।